एक तरफ जहां गुजरात चुनाव में पाटीदार आरक्षण ने राजनीति में उबाल ला दिया है, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी को आरक्षण देने की बात कहकर नया मोर्चा खोल दिया है। जी हां, नीतीश कुमार ने आरक्षण की मांग को एक बार फिर हवा दे दी है। इस बार तो नीतीश ने साफ कह दिया है कि मराठा हो या फिर पटेल, आरक्षण तो सबको मिलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने संसद में महिला आरक्षण के बिल को पास कराने पर भी जोर दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब नीतीश ने आरक्षण की मांग उठाई हो। इससे पहले भी नीतीश प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की मांग कर चुके हैं, जिसके बाद देश भर में आरक्षण पर छिड़ी बहस और गर्मा गई। मेरी राय है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण होना चाहिए, लेकिन अभी तो इसके बारे में संसद ने कोई निर्णय नहीं लिया है, तो वह अपनी जगह पर है, अभी तक वो डिबेट का विषय। भले ही जेडीयू का दावा है कि इस बार भी गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन नीतीश के आरक्षण मांग को लेकर अलग ही सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के सहयोगी नीतीश तो कई बार आरक्षण का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में अगर गुजरात में बीजेपी का परचम लहराता है तो क्या पाटीदार समुदाय को आरक्षण दिलवा पाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।